नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे और आप देख रहे हैं टॉपिक स्टडी जो कि अनअकैडमी का पार्ट है। आज हम बात करेंगे सुबह 6 बजे उन करंट अफेयर्स की जो कि कल से खबरों में है एंड देखते हैं कितने सवाल के जवाब आप यहां पर दे सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सेशन हमारा होता है ये होता है मंडे से संडे, मतलब हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 बार। सो टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस सेशन, वेदर फॉर UPSC, SSC, SBI, बैंक, रेलवे या अदर एग्जाम्स, ज़रूर देखें। और ये सुबह रोज़ 6 बजे होगा आपका। हर संडे को हम इसी जो खबरें हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, इनके ऊपर आपसे वीकली सवाल पूछेंगे और हर रोज़ हम उन पर करंट अफेयर्स MCQ भी बनाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा आज का पहला सवाल, जो कि अब आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। एंड सवाल ये रहा, इनमें से किस कंपनी ने paisabazaar.com के साथ अग्रीमेंट किया है जिसके तहत जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो कंपनी बेचेगी। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है सैमसंग। सैमसंग ने पार्टनर किया है paisabazaar.com के साथ, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। सैमसंग पे के जो यूज़र्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो सैमसंग का और paisabazaar.com का अग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रसार भारती के साथ MOU साइन किया है। इस MOU का मेन मकसद है जो नई उभरती तकनीकी ब्रॉडकास्टिंग संबंधी एरियाज़ हैं उनको बेटर करना। कौन सा वो IIT है? ये ऑलरेडी मैंने एक बार इसका करंट अफेयर डिस्कस किया हुआ है। इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि है IIT कानपुर। अगर यहाँ पर इस सवाल की बात करें तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो हेड्स हैं प्रसार भारती के और IIT कानपुर, वो आपके सामने हैं। ये जो एक MOU है ये फोकस करेगा 5G पर, ये फोकस करेगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, साथ ही साथ इंक्यूबेशन सेंटर्स और इंटर्नशिप जो है IITs की वो भी प्रसार भारती में लगाई जाएगी। ये सारे एग्रीमेंट यहाँ पर कानपुर के अंदर इन दोनों संस्थानों ने किए, प्रसार भारती और IIT कानपुर। अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से वो कौन सी स्पोर्ट्स कंपनी है जिसने कटरीना कैफ को अपने एम्बेसडर के तौर पे बनाया है? अदिदास, रीबॉक, नाइकी या प्यूमा? द आंसर इज रीबॉक। रीबॉक ने कटरीना कैफ को एम्बेसडर बनाया है। उनका मानना है कि कटरीना कैफ जो हैं वो फिटनेस की एक एग्जांपल हैं एंड इनसे जो उसका एक फिटनेस अट्रैक्शन है इस ब्रांड का वो इंडिया में बढ़ सकता है। इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में $1 ट्रिलियन का एक टारगेट सेट किया है इकोनॉमी में जनरेट करने का आने वाले 3 सालों के लिए? इसका आंसर जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने इसकी घोषणा की, उन्होंने कहा कि ऐसा वो कर सकते हैं आने वाले 3 सालों के लिए। उनका वैसे जो इंडिया का टारगेट है वैसे तो वो $5 ट्रिलियन का है आने वाले 5 सालों के लिए, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक अनाउंसमेंट है कि अकेले UP ने कहा है कि हम 3 सालों के अंदर $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की भारत को कोशिश, $1 ट्रिलियन इकॉनमी जो है उतना इकॉनमी जनरेट करने की कोशिश हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर विल्फ्रेड मेस्किता का देहांत हो गया, ये एक फेमस या ये किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात थे? इसका उत्तर है ये एक बहुत ही मशहूर आपके राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, 70 ईयर्स के ये थे और ये गोवा के पूर्व मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर भी थे। इनका नाम है विल्फ्रेड मेस्किता। इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में सेंटर का जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 है उसको इम्प्लीमेंट किया है। इस स्कीम का जो मेन मकसद है कि जो गवाह हैं और जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनके जीवन और जो उनका प्रतिष्ठा है, जो उनका एक जो इसका एक डिग्निटी है, उसके खिलाफ जो भी डेंजर्स है, जो भी खतरे हैं उनसे बचाने के लिए योजना जो है उसको लागू किया है। वो कौन सा स्टेट है जिसने सेंटर का विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है इसको दोस्तों अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है? इसका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। इसका जो उत्तर आपके सामने है वो स्क्रीन पे आपके आ गया है, वो आंसर है, आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा यहां पर इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने ये अप्लाई किया है। उनका मेन मकसद है कि जो भी विटनेसेस हैं उनकी सुरक्षा और ढंग से हो सके। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बहुत ही फेमस है और मुझे उम्मीद है कम से कम रेलवेज़ में और SSC में सवाल तो आएगा। भारत के वो दूसरे क्रिकेटर कौन हैं जिन्होंने 350 के ऊपर मैच जो हैं वो खेल चुके हैं? इसका उत्तर आपके सामने है, महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ें, ले चलें आपको अगले सवाल पर।
इनमें से कौन सी कंट्री फीफा अंडर 17 2019 जो है उसका वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 17 2019, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्राज़ील। सवाल मेरा आपसे है कि ये तो 2019 में आपका होगा, इससे पहला जो एडिशन था उस एडिशन को किसने होस्ट किया? ये तो चलिए ब्राज़ील कर रहा है, इससे पहले किसने इसको होस्ट किया होगा? तो जैसे आपने पहले बताया, ये जो आपका एडिशन है, जो संस्करण है, वो 18वां संस्करण है और ये आपका 26 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया फ्रीडम, पहली मीडिया फ्रीडम पर जो सम्मेलन है वो इनमें से कहां हुआ? इसका उत्तर है लंदन में ये सम्मेलन आपका हुआ। ये सम्मेलन जो आपका है, ये सम्मेलन हुआ लंदन में और इसको को होस्ट किया यूके और कनाडा ने, और ये जुलाई 10 से लेकर जुलाई 11 तक हुआ लंदन शहर में। जयपुर के विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद भारत के अंदर कितने विश्व धरोहर है? हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एग्जिस्टेड इन इंडिया आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ जयपुर? ओवरऑल कितना है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी डिस्कस मैंने कल किया था प्रोसेको हिल्स जो है, जो इटली का एक साइट है, उसको भी ऐड किया गया। इटली में 55 आपके अब हिस्टोरिक साइट्स हैं। सवाल आपसे मेरा है कि इंडिया में आपके कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जो कि है 38 साइट्स इंडिया के अंदर आपके इसके आपके आते हैं। इनमें से कौन सा ऐप है जो हज यात्रियों की स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत बनाया जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स इज फॉर द हज पिलग्रिम्स हेल्थ अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? ई स्वास्थ्य, ई मसीहा, ई हेल्थ या ई सेहत? और इसका उत्तर आपके सामने है ऑप्शन बी जो कि है ई मसीहा। ई मसीहा उस ऐप का नाम है। इस ऐप के तहत जो हज यात्री जो मक्का मदीना जाते हैं उनकी स्वास्थ्य को देख रेख करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में जो राजघाट थर्मल पावर प्लांट है उसको शटडाउन किया है, अब इसको इनमें से किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? क्या अब ये प्लांट क्या किस प्लांट के तौर पे काम करेगा? ये सवाल मेरा आपसे है। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी जो कि है अब ये एक सोलर पावर प्लांट के तौर पर या एक सौर ऊर्जा संयंत्र के तौर पर काम करेगा। स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये कोल ब्लेस्ट प्लांट था उसको 2015 में शटडाउन की बात कही थी बिकॉज पोल्यूशन का ये बहुत ही बड़ा आपका एक मेजर सोर्स था, और अब ये जो आपका प्लांट है वो अब एक सोलर प्लांट के तौर पर कन्वर्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इंडियन फिल्म डिवीजन ने हाल ही में किस शहर में क्षितिज के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब शुरू किया है? कहां पर ये क्लब शुरू हुआ है? इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है ऑप्शन सी जो कि है मुंबई। मुंबई में दोस्तों ये क्लब आपका शुरू हुआ है, इसका नाम क्षितिज है, और यहाँ पर ही आपका सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स ये जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अजय एंड विजय बेदी के, उसको यहाँ पर स्क्रीन किया गया। कहाँ पर? क्षितिज, जो कि कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे हाल ही में सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का? कौन है सचिव प्रवासी भारतीय मामलों के? और इसका आंसर है ऑप्शन सी जो कि है विकास स्वरूप। इससे पहले जो मोदी 1.0 था, मतलब जो मोदी जी का मंत्रिमंडल था पिछला वाला, उसमें भी ये सचिव के तौर पर थे, और यहाँ पर भी अब उन्हें सचिव के तौर पर ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का बनाया गया है। और आते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर। हाल ही में सौमेंद्र नाथ कुंडू का निधन हो गया, ये इनमें से किस स्पोर्ट संबंधित थे? इसका जो उत्तर आपके सामने है दोस्तों वो है ऑप्शन सी जो कि है क्रिकेट। क्रिकेट से दोस्तों इनका संबंध था। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपका आने का शुक्रिया। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सौरभ सर, मेरी और पूरी टीम की यही मनोकामना है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन है, जैसे भी हैं, उन पर हम वीडियोस को लाएं, पर उसके लिए आपको बड़ी मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कम इन बल्क प्रमोट द चैनल एंड आपको हर तरह के एग्ज़ाम का जो एक वीडियो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे बिकॉज नाम ही है इसका टॉपिक स्टडी। धन्यवाद।